नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, विश्व क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा मैच कल होने जा रहा है, वर्ल्ड कप 2023 के अंदर भारत बनाम पाकिस्तान। ये मैच खेला जाएगा अहमदाबाद के ग्राउंड पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप जिन प्लेयर के बारे में सोच रहे हो वो प्लेयर कल नहीं चलने वाले। वीडियो ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो वीडियो में अभी जो बात बोल रहा हूँ वो क्यों बोल रहा हूँ। बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप टीम में रखकर लेकर जाने की सोचेंगे, और मुझे लगता है कि वो कल के मैच में चलने वाले हैं नहीं। बहुत तरीके, बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो जीएल के पर्पज से बहुत बढ़िया मैच है, और अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो बहुत रिस्की मैच भी है। बट मुझे लगता है कि कल का मैच जीएल के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है, इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है। अहमदाबाद का ग्राउंड कैसा है, बैटिंग किस तरीके से होने वाली है, यहाँ पर विकेट्स किसे किसे मिल सकते हैं, सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे और बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं आज लाइव आकर आप लोगों को बताया था जिस जिस प्लेयर्स के बारे में, अभी तक जितने भी मैचेस न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का चल रहा है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए, ओवरऑल सारी बातों को छोड़ते हैं तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं तमाम सारे रिकॉर्ड्स, बैटिंग ऑर्डर, पिच रिपोर्ट, किस तरीके से बैटिंग ऑर्डर काम कर रही है वो, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से प्लेयर हैं जो अच्छे परफॉर्म करते हैं, और ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो फॉर्म में हैं जिनको हमें अपने टीम से ड्रॉप करना है। सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। आप यहां पर देख रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 12th ODI मैच है, 12वां मैच है ये वर्ल्ड कप 2023 का, और ये दोपहर 2 बजे से ये मैच जो है खेला जाएगा अहमदाबाद के ग्राउंड पे। हम जानते हैं आज का जो पिच का रिपोर्ट है वो क्या कह रहा है। सबसे पहली बात यहाँ पे पिच की रिपोर्ट दोस्तों, मैच जो है ना बिल्कुल अलग तरीके से खेला जाएगा। बहुत सारे लोग 49 के कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग कॉन्टेस्ट अलग अलग ऐप पे खेलते हैं, ठीक है। आप 49 रुपीज़ की टीम लगाते हो, बहुत बार ऐसा होता होगा जब आपकी टीम जो है विनिंग जोन से बाहर आती है। ड्रीम इलेवन पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ये आपको भी पता है। वैसे मैं ड्रीम इलेवन पे नहीं खेल रहा हूं, आज का मैच आप उठाकर देख लो, मैं बिल्कुल उस ऐप पे बिल्कुल खेल ही नहीं रहा। बहुत सारे रीजन से, पर्सनल रीजन भी है और एक रीजन ये भी है कि इस ऐप पे कंपटीशन भी ज्यादा है। अगर आपको जीएल में या यूं कहें कि फैंटेसी में अगर आपको चाहिए कि हम अच्छे रैंक लेके आए और प्रॉफिट में रहें तो आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, अलग तरीके से खेलना पड़ेगा। हालांकि मैंने आप लोगों को एक ऐप के बारे में बता रखा है जो कि बहुत ही बढ़िया ऐप है, और इस ऐप की खासियत क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जिस ऐप के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है प्ले ओटा ऐप, प्ले ओटा ऐप। सबसे बड़ी बात इस ऐप की खासियत, यहाँ पर कोई भी जीएसटी टैक्स आपको नहीं देना है। जब आप पैसे इसके अंदर आप डिपॉजिट करते हो तब भी आपको पैसे नहीं देने, और जब आप यहां से अपना विनिंग अमाउंट विड्रॉ करोगे तो भी आपको कोई टैक्स यहां पर लगने वाला नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप यहां पर सबसे कम अमाउंट का मिनिमम डिपॉजिट करेंगे और जितनी मर्जी आप जीत रहे हो वो आप यहां से विड्रॉल कर सकते हैं इजिली। इसके अलावा टीम की क्रिएशन में आपको बहुत बड़ा मदद मिलने वाला है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप ड्रीम इलेवन पे कोई टीम बनाते हैं, कोई टीम आप माई इलेवन सर्कल पे टीम बनाते हैं, तो उसकी टीम की स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पे अपलोड कीजिए, स्कैन कीजिए और आपकी टीम फटाफट बन जाएगी यूं, और आप उसको कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा पैसे डिपॉजिट करने में और पैसे के विड्रॉल करने में कोई टाइम लगने वाला नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि केवाईसी अपडेट करने की कोई रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर आपको 1 रुपये की कीमत 1 योटा दिया जाता है। तो दोस्तों आप इस ऐप को डाउनलोड करो, जो लोग कम पैसे में 5 रुपये में, सबसे कम कीमत 5 रुपये में आप यहां पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके 50,000 से ज़्यादा रुपये आप यहां पर जीत सकते हो। और जब भी आप ऐप डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट में यहां पर आपको मैं इस ऐप का लिंक दे रहा हूं, लिंक से ज्वाइन करो। टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने लिंक दे रखा है। इस ऐप को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, और इसके अलावा जो मैंने रेफरल कोड दे रखा है उस रेफरल कोड का आप इस्तेमाल करो और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। विनिंग में भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा, 100% मिलेगा, आप अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो दोस्तों सीधा बातें हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद पर, यहाँ का ग्राउंड पर क्या अभी तक की हिस्ट्री रही है। सबसे पहली बात, जो ये ग्राउंड है यहाँ पर अभी ब्लैक एंड रेड दोनों ही मिट्टी का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक नई जनरेशन की पिच बनाई गई है, जो एक तरीके से बैलेंस्ड भी कह सकते हैं
और हाई स्कोरिंग भी कह सकते हैं। रिपोर्ट क्या आता है वो देखा जाएगा, टॉस होने से पहले जो पिच का रिपोर्ट आएगा उससे हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इस ग्राउंड पर किस तरीके से मैच होने वाला है। चलिए चलते हैं, जो पहले मैचेज हो रखे थे इस ग्राउंड पर उसके अंदर देखिए, 176 रन 10 विकेट पर बना था, 237 रन भी बना है, 265 रन भी बना है, 274 रन भी बना है और इंग्लैंड ने 286 रन भी बनाया है। तो ओवरऑल क्या है, हम अभी फिलहाल रन को छोड़ देते हैं क्योंकि रन जो है 200 से 300 के बीच में आपको रन लग सकते हैं, 200, 260, 280 ऐसे रन लगेंगे दोनों ही टीम अगर खेलेगी तो, क्योंकि दोनों ही टीम स्ट्रांग है, बैटिंग लाइनअप भी दोनों टीम की स्ट्रांग है, तो रन तो यहां पर लगेंगे, डेफिनेटली रन लगेंगे। विकेट्स की बात करें तो 10 विकेट 9 विकेट, 10 विकेट 8 विकेट 9 विकेट, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे फ्रेंड्स यहां पर 8 से 10 विकेट गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में विकेट जो मिल रहा है आप देख रहे हैं 3, 6, 7, 2, 4 फास्ट बॉलर को मिला हुआ है, स्पिनर्स को यहां पर 7, 2, 3, 5, 5, यानी कि एवरेज अगर देखा जाए तो दोनों ही, यानी कि फास्ट बॉलर और स्पिनर्स दोनों को बराबर मात्रा में विकेट मिल रहा है, यानी कि 50-50 है, दोनों को एवरेज मिल रहा है यहां पर। बट सेकेंड इनिंग की अगर बात करें तो सेकेंड इनिंग में दो बार जो है ना टीम यहां पर कोलैप्स हो गई है, 193 रन नहीं चेस कर पाई, 10 विकेट गिरा, 169 रन चेस नहीं कर पाई, 10 विकेट गिरा, यानी कि दो बार टीम रन चेस नहीं की। इसके अलावे यहां पे एक बार रन चेस भी हुआ है 4 विकेट खोकर, यहां पर भी रन चेस हुआ है 4 विकेट खोकर, और ये मैच भी जो है ना ये रन चेस नहीं हुआ है। अब यहां पर देखा जाए कि विकेट्स किससे मिल रहे हैं, देखिए फास्ट बॉलर को ज्यादा ही विकेट मिल रहे हैं, 7 विकेट 8 विकेट मिला है, और स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में यहां पर कम विकेट मिल रहा है अभी तक जो मैचेज हुए हैं। लेकिन कल टॉस हो जाने के बाद हमें एक्चुअल पता चल जाएगा इस ग्राउंड पर मैच किस तरीके से होने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं फर्स्ट इनिंग में क्या रिपोर्ट बताता है। फर्स्ट इनिंग में देखा जाए अहमदाबाद के ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ओपनिंग प्लेयर फ्लॉप हैं, पहले जो मैचेज हुए थे देखिए ओपनिंग प्लेयर फ्लॉप है, यानी कि ओपनिंग जो प्लेयर है यहां पर फर्स्ट इनिंग के अंदर कोई भी ओपनिंग जोड़ी अच्छा नहीं खेल के जा रहा है। अच्छा कौन खेल रहा है, नंबर वन का प्लेयर देखिए 61 रन और 77 रन, 61 रन 77 रन तीन बार, यानी कि अगर हम हाल फिलहाल के मैचेस की बात करें तो यहां पर ओपनिंग प्लेयर कोई एक खेल रहा है, फिर वन डाउन का बैट्समैन खेल रहा है, इसके अलावे 3-4 नंबर का प्लेयर आप देखिए 49 और 80 रन लगा, 5 नंबर का प्लेयर ठीक ठाक खेल रहा है और बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो एवरेज रह रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहां से कोई या तो दोनों ओपनर को ड्रॉप करो, और अगर ओपनिंग जोड़ी पिछले 2-3 मैचेस से अच्छे नहीं खेल रहे हैं तो उसमें से जो अच्छा नहीं खेल रहा है वो इस ग्राउंड पे कल अच्छा खेल सकता है फर्स्ट इनिंग में। तो एवरेज अगर देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग के अंदर आपको ओपनिंग जोड़ी में से कोई एक, किसी एक प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करना है, नंबर वन प्लेयर को और नंबर टू प्लेयर को दोनों को रखना है एक टीम के अंदर, फिर एक टीम में से क्या करना है, एक 3 नंबर को रखना है और फिर 4 नंबर को रखना है, फिर एक टीम में 4 नंबर और 6 नंबर को रखना है, उसके बाद फिर क्या करना है 3 नंबर और 4 नंबर दोनों को रखना है। इस तरीके से आपको बैटिंग फर्स्ट में प्लेयर्स को रोटेट करना है, समझ गए। सेकेंड इनिंग की बात करें अगर, तो सेकेंड इनिंग में देखिए क्या हो रहा है, सेकेंड इनिंग में कोई एक ओपनर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा रहा है, कोई एक ओपनर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, वन डाउन का प्लेयर पिछले मैच में भी देखिए 123 रन बनाया, ये रचित रविंद्र ने बनाया था 123 रन न्यूजीलैंड का, इसके अलावे 121 रन भी लगा है। पहले के अगर मैच देखा जाए तो पहले के मैच में यहां पर वन डाउन के आने वाले जो प्लेयर हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं, बट पिछला जो 2 मैच इस ग्राउंड पे लेटेस्ट हुआ है उसमें 3 नंबर का प्लेयर शतक लगा कर गया है, बाकी 4 नंबर का प्लेयर एवरेज है, बाकी के प्लेयर तो आपको मतलब कि रन चेस यहां पर टीम ज्यादा कर सकती है, और अगर करेगी तो 2 से 3 विकेट ही गिरेंगे, उसके अकॉर्डिंग टॉप 4 में से आपको बैट्समैन यहां पर चुनना पड़ेगा, और फिर आप 2-3 टीम ऐसा भी तैयार करना जिसके अंदर से टॉप के प्लेयर्स को ड्रॉप करके 4th, 5th और 6th नंबर के प्लेयर को आप अपने टीम में शामिल कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम इंडियन बैट्समैन की तरफ, इंडियन बैट्समैन कौन कौन से हैं जो अभी फॉर्म में है, किस तरीके से है, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। अब हम सीधा बात करेंगे इंडियन बैट्समैन जो एशिया कप में और अभी वर्ल्ड कप में जो खेल रहे हैं, रिसेंट में कौन कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है उसके बारे में सीधा चर्चा करेंगे। पहले को छोड़िए, पहले के बारे में हमें, पहले के सभी प्लेयर्स के बारे में हमें पता है, बट रिसेंट के बारे में, रिसेंट का जो स्टैट्स है उससे हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे कि किन किन प्लेयर को हमें अपने फैंटेसी टीम में शामिल करना है। उसके बारे में अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट, पिछले 2 मैच में एशिया कप के अंदर भी एक बार 0 पे आउट हुए और पिछले मैच में भी 0 पे आउट हुए थे, उसके पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में,
और यहां पर आप देख रहे हैं 131 रन की जबरदस्त की पारी खेले थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट। शुभमन गिल भी अपने बेहतरीन फॉर्म में है, अभी फिलहाल दो मैच वो मिस कर रहे हैं। अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, आपको मैंने बताया, अगर आ गए तो ईशान किशन के जगह पर ये खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। विराट कोहली भी अपने अच्छे फॉर्म में है। इसके अलावे श्रेयस अय्यर पिछले मैच में 25 रन की पारी खेले थे, उससे पहले जीरो पे ये भी डकआउट हुए थे। अब आइए बात करते हैं केएल राहुल के बारे में, तो केएल राहुल भी अपने अच्छे टचअप में है। तो हमारे पास इंडियन बैट्समैन कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, केएल राहुल फिक्स प्लेयर हो सकते हैं, रोहित शर्मा फिक्स हो सकते हैं, शुभमन गिल अगर खेलेंगे तो फिक्स हो सकते हैं, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, इन दोनों को आपको रोटेट करना होगा जहां तक मुझे लग रहा है। चलिए चलते हैं इंडियन बॉलर्स कौन से हैं जो एशिया कप और वर्ल्ड कप अभी जो चल रहा है इसमें अच्छे करके गए हैं। मोहम्मद शामी दो बार खेले एशिया कप के अंदर, दोनों बार विकेट लेके गए हैं। जसप्रीत बुमराह जब से इंजरी से वापस आए हैं कंटिन्यू ये खिलाड़ी विकेट लेकर गया है, पिछले मैच में तो 4 विकेट लेकर गए हुए हैं। एम सिराज पिछले मैच में विकेट नहीं मिला, इस मैच में इनको पक्का विकेट मिलेगा, आप अपने टीम में एज ए ट्रम्प प्लेयर इनको जरूर शामिल करके जाइएगा। हार्दिक पांड्या आपको एवरेज पॉइंट्स देके जाएंगे बैटिंग और बॉलिंग दोनों से, तो इनको ड्रॉप करने का चांस हम नहीं ले सकते। रविंद्र जडेजा भी पिछले मैच में आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 यानी विकेट लेस गए थे, इस मैच के अंदर भी इनको विकेट लेने का विकेट मिलने के चांसेस फुल हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है। कुलदीप यादव एज ए ट्रम्प प्लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, आप इनको अपने टीम में जरूर शामिल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो कौन कौन से हैं जो वर्ल्ड कप और एशिया कप में बहुत ही बेहतरीन अपना खेल दिखाए हुए हैं। उसके अंदर अगर देखा जाए तो फकर जमान कंटिन्यू फ्लॉप खिलाड़ी चल रहा है, पिछले मैच में खेला भी नहीं है, अगर ये खिलाड़ी खेलता है तो आप इसको टीम में जरूर शामिल कीजिएगा, रोटेट कीजिएगा, 5 में से 3 टीम में रखिएगा बिल्कुल, कल के मैच में हो सकता है ये अपना अच्छा फॉर्म में वापसी करे। इमामुल हक भी कल के टीम में आपको ड्रीम टीम का, मतलब हाईएस्ट पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन 40-45 पॉइंट्स का मुझे लगता है कि ये दे के जा सकते हैं, इसलिए आपको इमामुल हक को भी रोटेट करने की जरूरत है अपने टीम के अंदर। बाबर आजम 2 मैच से फ्लॉप चल रहे हैं, अगर तीसरे मैच में फ्लॉप चले तो इनकी किरकिरी बहुत होने वाली है, इसलिए बाबर आजम भी कल के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मोहम्मद रिजवान 2 मैच से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अगर मेरी मानो तो कल के मैच में बाबर ये मोहम्मद रिजवान को आप 5 टीम में से 3 टीम में आप ड्रॉप करना, 2 ही टीम में इनको रखना और कैप्टन वाइस कैप्टन तो भूल कर भी बनाना ही नहीं है इनको। तो मोहम्मद रिजवान कल के मैच में मेरे ख्याल से ये फ्लॉप प्लेयर हो सकते हैं, इतनी अच्छी पारी खेले हैं, 2 मैच कंटिन्यू कोई परफॉर्मेंस नहीं देता तो कल ये एवरेज रहने वाले हैं जहां तक मुझे लग रहा है। ए शाफिक अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुके, अब इनका टाइम खत्म, कल के मैच में मुझे नहीं लगता है कि आपको अच्छा पारी देने वाले हैं। इसके बाद अगर कोई ट्रम्प प्लेयर हो सकता है तो इफ्तिकार अहमद, अगर पाकिस्तान ब्रेकफास्ट करती है तो इफ्तिकार अहमद को आप अपने टीम में जरूर रखना। शवद शकील भी आपको एवरेज पॉइंट्स देके जाएंगे या ये भी आपको ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसलिए आपको टीम जब बनाओगे तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान में रखते हुए। इसके अलावे बात करते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तानी बॉलर्स में शाहिनशाह अफरीदी को आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। मोहम्मद नवाज 1-1 विकेट मिला है, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। हारिस रौफ 2 विकेट, 1-3 विकेट, ये खिलाड़ी विकेटलेस बहुत कम टाइम होता है जब ये जाता है। शादाब खान को भी 1-1 विकेट मिल जाता है, मैं आपको टीम जब बनाऊंगा तब दिखा दूंगा कि किस तरीके से मैंने प्लेयर्स को रोटेट किए हुए हैं। इफ्तिकार अहमद भी बॉलिंग कर रहे हैं, 4 ओवर 3 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, तो इनको हम कंसीडर करेंगे कब, जब ये पाकिस्तान बैट फर्स्ट करेगा तो आप इफ्तिकार अहमद को अपनी टीम में शामिल करेंगे। हसन अली को आप अपनी टीम में शामिल कीजिएगा, खास तौर से जब फर्स्ट पाकिस्तान बॉल करेगी तो आप हसन अली को अपनी टीम में शामिल कीजिएगा, नहीं तो टीम से ड्रॉप करने की कोशिश कर सकते हैं। इंडियन बैट्समैन हेड टू हेड की अगर बात करें तो रोहित शर्मा देखिए 2 बार फर्स्ट इनिंग 140, सेकेंड इनिंग 111, सेकेंड इनिंग 52, फर्स्ट इनिंग 91, फर्स्ट इनिंग 56। मैंने आपको क्या बोला, रोहित शर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, इसलिए आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट रोहित शर्मा को टीम में तो रखना ही रखना है। फ्लॉप हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं और अच्छे टचअप में है। अगर रोहित शर्मा 10 ओवर भी टिक जाते हैं ग्राउंड पे तो यूं मानकर चलो कि 50+ का स्कोर खड़ा करके जाएंगे। विराट कोहली पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, 122, 181 और 77 रन का पारी ये खेल चुके हैं विराट कोहली, तो मुझे थोड़ा सा ना शंका है, इसलिए 50-50 है, इनको रोटेट जरूर कीजिएगा। केएल राहुल अच्छे टचअप में है, पिछले मैच में इनकी बैटिंग ही नहीं आई, तो इस मैच में अगर बैटिंग आती है तो ये अच्छा करके जा सकते हैं। श्रेयस अय्यर अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट इनका अभी रिकॉर्ड सामने
नहीं दिखाई दिया है, लेटेस्ट जो भी होगा तो मैं आपको श्रेयस अय्यर को किस तरीके से लेना है आपको मैं जब जीएल की टीम बनाकर लाऊंगा तो आपको बता दूंगा। इसके अलावा अगर देखा जाए इंडियन बैट्समैन इंडियन बॉलर्स कौन कौन से हैं, हार्दिक पांड्या को कंटिन्यू विकेट मिलता है, सिर्फ एक बार जीरो विकेट लेस गए हैं, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ हार्दिक पांड्या को आपको अपनी टीम में शामिल करना है। रवींद्र जडेजा को एक बार सिर्फ दो विकेट मिला है, सिर्फ एक बार सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान के अगेंस्ट। कुलदीप यादव 5 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। मैंने आपको क्या बोला, कुलदीप यादव बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं कल के मैच के लिए, ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, इनको टीम में जरूर रखना है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह को रोटेट करना है, और जसप्रीत बुमराह को किसके साथ रोटेट करना है, शार्दुल ठाकुर के साथ अगर खेलेंगे तो। पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो कौन कौन से हैं जो हेड टू हेड में अच्छा खेल के गए हैं, फकर जमान 62, 31, 114 और 27 रन। मैंने क्या बोला, फकर जमान खेलेंगे तो आप इनको टीम में जरूर कंसीडर कीजिएगा। इमामुल हक फ्लॉप चल रहे हैं लेकिन कल मुझे लगता है ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाए, 60-70% चांसेज हैं कि बन सकते हैं। इसके अलावा बाबर आजम कभी भी 50+ का स्कोर नहीं बनाए हैं, एवरेज इनका 40-35 रन रह सकता है इंडिया के अगेंस्ट। अब बात करें कि कौन है और खेलने लायक, तो और कोई नहीं है पाकिस्तान में जो इंडिया के अगेंस्ट जिनके रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहे हों। पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं अभी कोई खेला नहीं, जो खेले एक बार शाहिनशाह अफरीदी को 1 विकेट मिला, हालांकि एक बार 4-5 विकेट लेकर गए थे लेकिन वो मैच ही कैंसिल हो गया था इसलिए मैंने उसका रिकॉर्ड नहीं लिखा है। शादाब खान को विकेट मिल जाता है तो शादाब खान इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधा कि हम टीम किस तरीके से तैयार करें, तो टीम तैयार करके जो मैंने रखा हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये फिलहाल मैंने एक डेमो टीम तैयार किया हुआ है, इस टीम के अंदर आप देखें मैंने केएल राहुल को रखा है एज अ वीसी, मैंने केएल राहुल को अपनी टीम में शामिल किया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर रोहित शर्मा, बाबर आजम, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, इमामुल हक और बाबर आजम मैंने दोनों को अपनी टीम में रखा है। अगर फकर जमान खेलेंगे तो मैं बाबर आजम के साथ के जगह पे फकर जमान को भी रख सकता हूँ, हालांकि टॉस होने के बाद पता चलेगा कि किस तरीके से रखना करना होगा। मैं यहाँ पर जडेजा को रख रहा हूँ, इफ्तिकार अहमद को, एम सिराज, कुलदीप यादव और शाहिनशाह अफरीदी, ये मेरे फिलहाल के टीम हैं जो मैंने अपने टीम में शामिल किया है। अब दोस्तों अगर आप लोगों को जीएल टीम की कॉम्बिनेशन के साथ वीडियो चाहिए तो आज आप लोग कमेंट करो, कल मैं 100% सुबह 7 से 8 बजे तक आपको पूरी जीएल कॉम्बिनेशन के साथ, 20 टीम कहोगे तो 20 टीम, नहीं तो 10 टीम की ही आपकी वीडियो लेकर जो छोटे ड्यूरेशन में होगी आपको अच्छे से कॉम्बिनेशन रोटेशन के साथ टीम लेकर आ जाऊंगा। अब बात करते हैं प्लेओटा ऐप पे मैंने क्या करना है। अब देखिए प्लेओटा ऐप पर भी मैं आपके सामने टीम बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर केएल राहुल को रख रहा हूँ, बैटिंग सेक्शन से बाबर आजम, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, इमामुल हक, और यहाँ से मैं रख रहा हूँ श्रेयस अय्यर, ऑलराउंडर सेक्शन से या श्रेयस अय्यर को हटा के मैं यहाँ से हार्दिक पांड्या, इफ्तिकार अहमद को ड्रॉप करके यहाँ पर मोहम्मद नवाज और रवींद्र जडेजा, बॉलिंग सेक्शन में मैं यहाँ पर रख रहा हूँ शाहिनशाह अफरीदी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। ये देखिए टीम का प्रीव्यू इस तरीके से मैंने यहाँ पर टीम जो है किया है। कंटिन्यू मैं यहाँ पर कैप्टन जो है फिलहाल, जैसे जो मैंने आपको ड्रीम इलेवन पे दिखाया, यहाँ पे मैंने आपको कुलदीप यादव को कैप्टन बना दिया और रोहित शर्मा को इस टीम के अंदर वाइस कैप्टन बना दिया। अब दोस्तों इसी तरीके से जब आप टीम प्लेओटा ऐप पर खेलो बहुत छोटे कॉन्टेस्ट में आपको खेलने को मिलेगा और विनिंग की भी चांसेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा होने वाली है आपको। और जब भी आप डाउनलोड करो इंस्टॉल करो तो मेरा रेफरल कोड जरूर इस्तेमाल करना, जिससे आपको अच्छे खासे बोनस मिलने वाले हैं और प्रॉफिट भी होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।